हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ये गेट 2022 का लेक्चर 3 है, लिमिट, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने दो वीडियो डाले हैं। एक वीडियो के अंदर अपने फंक्शन का इंट्रोडक्शन की बात करी थी, ठीक है, फंक्शन के इंट्रो की बात करी थी। सेकेंड के अंदर मैं लिमिट स्टार्ट किया था और लिमिट के अंदर अपने बेसिक क्वेश्चन कर लिए और मैं सब कुछ बता दिया कि भाई एक्सपेंशन कैसे करते हैं, डी एल हॉस्पिटल क्या होता है, ये सब अपने चीज़ें कर ली, ठीक है। कुछ अपने क्वेश्चन भी किए अपन ने, वो जाकर आप देख सकते हो। अब थर्ड जो मैं करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ मैं अब स्टैंडर्ड रिजल्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट पे क्वेश्चंस बेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, कुछ और क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। मेरा ऐसा रहेगा कि मैं थ्योरी पार्ट जो है वो इस पर समझाऊंगा आईपैड पे, और जैसे ही न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा या मैथ, ये जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो मैं बोर्ड पर समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पर भी क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन पहले क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी कराऊंगा। जब एक बार थ्योरी क्वेश्चन थोड़े कंप्लीट हो जाएंगे फिर बोर्ड पर अपन सिर्फ क्वेश्चन कर, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, लिमिट का ही पार्ट टू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो रिजल्ट है, रिजल्ट फर्स्ट, अगर लिमिट दी हो एक्स टेंडिंग टू ए और यहाँ दिया हो एक्स एन माइनस ए एन और एक्स माइनस ए, तो ये होता है एन ए एन माइनस वन। कैसा आया? आप डी एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? डी एल हॉस्पिटल। तो इसमें ए रखने पे क्या आ रहा है? ए एन माइनस ए एन अपॉन ए माइनस ए, मतलब 0/0। तो 0/0 डी एल क्या बोलता है, किसके ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे? एन एक्स एन माइनस एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। और ए की पावर एन का क्या हो गया? 0। एक्स का हो गया 1, ए का हो गया 0। और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू है, सबको डिफरेंशिएट करना आता है। तो डी एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का तब तक आपको डिफरेंशिएट करना है जब तक कि उसकी 0/0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। देखो अब अगर आप ए रखोगे तो क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ये एन ए एन माइनस वन, ये तो आ रहा होगा क्या? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये वाली फॉर्म का रिजल्ट जो होता है याद रखना है, याद भी रखना है, सिर्फ आपको डी एल हॉस्पिटल आता तो आप आराम से कर पाएंगे, कई लोग याद करते हैं याद नहीं करना है, क्लियर। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इस पर ही ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स टू द 5 माइनस अपॉन एक्स माइनस 3। अब अगर आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, 0/0 बनेगा। तो अब याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका डिफरेंस कर लो, कितना आएगा, 5 एक्स के पावर 4 माइनस 0 अपॉन 1, और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, इसमें 3 पुट कर दो तो 5 इंटू 3 की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, इसको नोट कीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, साथ साथ वगैरह तरी फटाफट, ठीक है। सेकंड, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये दिया हुआ आपको 18। तो आपको n निकालना है और ये दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। हम लोग सारी फॉर्म के क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। देखो वापस अगर इसमें 2 रखोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 2n+1 माइनस 2n+1, अगर लिमिट पुट करता हूँ मैं 2 माइनस 2, तो साफ साफ दिख रहा है 0/0 आ रहा है, राइट। 0/0 आया तो क्या करो, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशियल। तो अगर आप न्यूमरेटर का करेंगे तो देखो एन एक्स की पावर एन प्लस वन का क्या होगा, एन प्लस वन आगे और फिर एक्स, और इसमें से एन प्लस वन माइनस वन होता है, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। अब लिमिट पुट कर दो इसके अंदर तो क्या आएगा, एन प्लस वन और ये हो जाएगा 2, या 1 से 1 कट जाएगा 2 की पावर एन, और ये कितना दिया स्टूडेंट, 80 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 क्वेश्चन का कोड दिया हुआ है। अब आपको n की वैल्यू पूछी, n बिलोंग्स टू क्या, n देखो सुनो, 18 को मैं लिख सकता हूँ क्या, ध्यान सुनो, 5 × 16 ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो वैसे तो आपको ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन से आप फटाफट कर लोगे। तो अब n प्लस वन क्या हो जाएगा, 5 के बराबर, और 2 के बराबर n किसके बराबर, इसके बराबर। तो अगर n प्लस वन इक्वल टू 5 करोगे तो n की वैल्यू 4 आएगी, वैसे अगर 2 के पावर n इक्वल टू 16 करोगे तो 2n इक्वल टू 2 की पावर 4, यहाँ से भी n की वैल्यू 4 आएगी। तो n की वैल्यू 4 जो है इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट्स वाई n इक्वल टू 4 है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो अपना आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 4।
ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो, अगर यहाँ तक मिल गया तो ऑप्शन फटाफट एन की वैल्यू रख कर आप चेक कर सकते हो। तो मेरी बात समझ में गई, क्वेश्चन क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है -100 अपॉन एक्स -1। तो देखो सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन मतलब होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, और कुछ भी नहीं है, इस ब्रैकेट का मतलब GIF मत मान लेना, ठीक है ना, दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर इसलिए नहीं मानना है। तो अगर आप सिग्मा इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो पहले एक्स के बराबर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, और ऐसे करते करते ये 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है, 100 है। माइनस क्या दिया हुआ है, 100 अपॉन एक्स -1, और लिमिट आपको जो दी हुई है वो 1 दी हुई है। अब अगर इसमें लिमिट आप पुट करेंगे तो देखो ये 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 100 तक 1, तो 100 -100 अपॉन 1 -1 मतलब 0/0 फॉर्म आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, DL हॉस्पिटल लग सकता है। तो बाय DL हॉस्पिटल अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंश करेंगे, बताओ x का डिफरेंश कितना हुआ, 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x2, डैश डैश इसका डिफरेंस क्या होगा, 100x की पावर 99, और 100 का कितना हो गया 0, अपॉन x का कितना हो गया 1, 1 का हो गया 0, और लिमिट क्या है x→1। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब ये लिमिट लगा दीजिए, जब आप 1 इसमें लिमिट रखेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 1+2+3+100, और नीचे वाला तो 1 हो गया इस गया। तो अपन को बस ये तो निकालना है, और इसका अगर हम याद हो, मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो होता है इसका आंसर होता है n(n+1)/2, याद रखना, ठीक है ये। तो यहाँ पर n कितना है, 100, तो 100×100+1/2, तो ये कट हो जाएगा, तो 50×101, 50×101 कितना हो जाता है, 5050। तो यही आपका आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। तो आपने देखा होगा कि DL हॉस्पिटल से अपन कोई भी क्वेश्चन हो बहुत आराम से तरीके से कर सकते हो, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है मैं आप इसको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 34/23 है। आप मुझे सॉल्व करके बताना और कमेंट करके बताना कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला अपन पार्ट करते हैं, मेथड फॉर एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सबसे पहला जो फॉर्म आती है वो होती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, मैं तरीका बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट ध्यान सुनना, जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ 3x² + 5x + 9 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो सपोज दिया हुआ है 5x² + 10x + 3 दिया हुआ है ना। तो अगर आप इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। देखो अपन को ये चीज़ पता है कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, मतलब x अपॉन इन्फिनिटी भी क्या होगा, 0, अगर x की वैल्यू एक डिवाइन वैल्यू, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको NCERT में पढ़ा होगा, जो ऊपर से हाइस्ट पावर है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन लेने पर आएगा 3+5/x + 9/x², और ऐसे ही क्या होता है, सेम कॉमन यहाँ पर भी ले लेते हैं, क्योंकि 5+10/x + 3/x². अब मुझे बता दो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें इन्फिनिटी रखेंगे, एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे, तो 5/x ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ स्टूडेंट, तो ये तो कट जाएगा, तो बच अगर लिमिट पुट करने के बाद 3+0+0 हो जाएगा, और 5+0+0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना बचा, 3/5 बचा, ठीक है, ये आंसर है। अब यहाँ से एक चीज़ अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, आप बोलोगे, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप तो सीधा सीधा ये बोलो ना, तो यही तो आंसर आ रहा है सर, 3/5, हाँ ठीक है। तो एक चीज़ अपन को याद रखनी है कि जब मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये px पॉलीनोमियल है और ये qx पॉलीनोमियल, और दोनों की डिग्री सेम है, डिग्री इसकी n है और इसकी भी डिग्री क्या है, n डिग्री मतलब होता है हाइएस्ट पावर कौन सी x की, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिग्री, सेम है। तो जो हाइएस्ट पावर के कोफिशियंट का रेशियो जो होगा वही क्या होगा, लिमिट होगा। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 थी, क्या थी, 2 थी, यहाँ पर भी 2 थी, सेम होना चाहिए, 2 सेम है, सीधा आंसर कितना आ गया, 3/5, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा 3/5 लिखोगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कि यहाँ तक नोट कर लो पहला, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछे कोई लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पूछे 5x + 3 7x-9 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है,
पावर भी सेम दी हुई है, सीधा आंसर लिखो 5/7। आइए बस सुनो, कोई बोले लिमिट एक्स इन इन्फिनिटी 7x² प्लस 18x^5 प्लस 3x³ प्लस 7 ले लेते हैं। ऐसे नीचे दिया हो 5x³ प्लस 7x² प्लस, और यहाँ पर देते 20x^5 माइनस 3। इसमें से हाईएस्ट पावर कितनी है? ये वाला हाईएस्ट पावर है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसमें से कौन सा है? 20। क्या दोनों सेम है, डिग्री सेम है? हाँ, तो इनकी कॉफिशियन की रेशियो 18/20, यही आपका आंसर है। सॉल्व कर लेंगे आप, 2 से कट करेंगे तो 9/10 जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब कोई बोलेगा कि नहीं सर, अगर ऊपर पावर ज़्यादा है तो, जैसे सपोज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, और नीचे दिया हुआ है 5x² प्लस 9x प्लस 7। अब बताओ आंसर क्या आएगा? मैं बोलूँ क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले के ऊपर हाईएस्ट पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आंसर जो आएगा ना वो अपना इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा है। अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक्स ज़्यादा मिल जाएगा, एक्स इंटू समथिंग आएगा, तो ये कुछ भी होगा तो इन्फिनिटी बना देगा। वैसे अगर डिनोमीटर में एक्स ज़्यादा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? समथिंग अपॉन डिनोमीटर इन्फिनिटी बन रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो की तरफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन आपको हमेशा पावर सेम दी होगी, ये तो मैंने बता दिया आपको। आगे बस उनमें अब इस पर एक दो क्वेश्चन जो है अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा अपन को मामला जो क्या है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, आप समझ में आ गए। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 7x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 2। अगला क्वेश्चन है 8x³ माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 7। तो सीधा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? एक्स क्यूब हाईएस्ट है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब हाईएस्ट है, इनके कोफिशियंट का रेशियो कितना आ गया? 7/8, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये याद रखना, 1+2+3+4 से लेकर n जो होता है इसका आंसर होता है n(n+1)/2। अगर आपको पूछा जाए 1² + 2² + 3² से लेकर n² बोला जाए तो इसका आंसर होता है n(n+1)/2n+1)/6। और ऐसे आपसे पूछा जाए 1³ + 2³ + 3³ से लेकर n³ पूछा जाए तो ये होता है n(n+1)/2²। ठीक है, लिखते रहिए, फॉर्मूला लिख दीजिए फटाफट, है ना, मैं रफ कर रहा हूँ, आप चीज़ें लिखते रहिए। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन आया तो कैसे करना? देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, ये भी दे सकते हैं 1+2+3+4 से लेकर दिया हुआ एन और नीचे n² तो आपको उसका तो पता ही है इसकी वैल्यू कितनी होती है। आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो n(n+1)/2 होती है और नीचे ऑलरेडी n बैठा है। ठीक है, अब इसको आपने लिखा लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी, किसको? इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आपने बोला सर ये तो n² + n हो गया, नीचे 2n है, चलो 2n² सॉरी n² था ना, या नीचे n² था तो 2n², तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी n² है, यहाँ पर भी n² है, हाईएस्ट पर यहाँ n² दिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल सा रेशियो कितना जाएगा? 1/2, ये आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2 आंसर आ गया। अब इसी टाइप का अगर हार्ड क्वेश्चन लें तो क्या हो सकता है? देखो हार्ड तो क्या होता है, इसमें कुछ हार्ड होता नहीं है, ये दिया हुआ है और आपको दे दिया 1² / (n³) + 2² / (n³) + 3² / (n³) और ऐसे करके चल रहा है, लास्ट में n² / (n³) आ गया। आपको इसका पूछा है, देखो सब में n² नीचे आ रहा कॉमन, तो नीचे तो आप n³ ले लो, ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या आ रहा है 1² फिर 2² फिर आ रहा 3² ऐसे चलता रहे n². अब आपको उसका फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है n(n+1)/2n+1)/6 होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए तो कितना हो गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n(n+1)/2n+1)/6 और ये n³ ऐसे कैसे बढ़ा है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा मल्टीप्लाई? पहले इन दोनों को कर लीजिए 2n² इसको उसको करेंगे 2n² फिर आ जाएगा 3n+1 6n³। अब देखो मैं आगे करूँगा ही नहीं, देखो मुझे पता है अब ये लिमिट तो आपकी n टेंड टू इन्फिनिटी आ रही है,
मुझे बताएं यहाँ से 2n³ आएगा या 6n³ आएगा। तो सीधा आंसर कितना लिख सकता हूँ मैं, 2/6 मतलब 1/3। हाईएस्ट पावर का रेशियो तो चलिए मैं आगे वाला मल्टीप्लाई करूँगा ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया मेरा 1/3 आंसर आ गया। तो आपने देखा होगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, ईजीली आप कर सकते हो ना। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इसको नोट कीजिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसकी लिमिट निकालनी है। तो जैसे आपने इन्फिनिटी पुट किया तो आपके सामने आ रहा था इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये पावर 1/3 है, ये पावर 1/5 है और ये पावर 1/2 है, तो बताओ मुझे 1/2, 1/3 और 1/5 में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर मेरी यहाँ से ये वाली है, यहाँ तो इसकी दिक्कत ऐसे। नीचे में देखो, यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है, यहाँ पर कितने दिया हुआ है, 3x-2 दिया हुआ है। अब ध्यान सुनना देखो, तो सिंपल से मुझे हाईएस्ट पावर भी कंसीडर करना है। मैं बोलूँगा ये 2x के पावर कितना है, 1/2, और ये 3x के पावर 1/3, 5x के पावर 1/5 पड़ा है। यहाँ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x-2 के पावर, ये तो क्या है, हाफ है, और ये 2x-1/3 और ये 1/3। मुझे सिर्फ इसके एक्स के कोफिशन, इसका एक्स का कोफिशन कितना है, 3, लेकिन ऊपर की तरफ क्या दिया, 1/2 दिया, तो रूट आ जाएगा। तो मैं सीधे सीधे आंसर लिखूँगा, ऊपर तो 2 आ रहा है सर, नीचे जो है एक्स के पावर हाफ है, ये भी एक्स के पावर हाफ है और यहाँ पर भी हाफ ही आएगी। इसका जो कोफिशियन है सर, इसको 3 को बाहर लूँगा तो ये क्या आएगा, √3 आएगा। तो डायरेक्टली आंसर मेरा हो गया 2/√3। आगे बात हमने क्लियर, तो सीधा आंसर क्या कहूँगा, मुझे हाईएस्ट पावर के रेशियो से ही मतलब है, तो सीधा आंसर हो गया 2/√3। तो मेरी बात समझ में आ गई, इतने सारे क्वेश्चन किया अपन को समझ में आ गया कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा तो अपन कैसा भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसमें इन्फिनिटी रखते हो तो देखो, इस बार फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करें? तो जब भी वैसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, उसका रैशनलाइजेशन कर लो। तो आपने पढ़ा होगा रैशनलाइज कैसे करते हैं, रूट ऑफ अगर दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये दिया माइनस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रैशनल कैसे करते हैं, अगर यह माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसा ऊपर है वैसा भी नीचे भी आएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया आपका ए माइनस बी मल्टीप्लाई, ये बन गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान सुनो, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा ना क्योंकि स्क्वायर करने पर, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आ रहा होगा स्टूडेंट, नीचे आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से कट गया, पीछे बचा ए एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन बचा है, ये पोर्शन बचा हुआ कौन सा, ये वाला यहाँ बचा हुआ। अब ध्यान सुनना, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, नीचे देखो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स है। तो ध्यान सुनो, देखो ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाहर आकर क्या बनेगा, एक्स बनेगा, बाकी से मुझे मतलब ही नहीं है। तो ए एक्स अपन अगर बाहर आएगा तो ये एक्स बनेगा, और ऐसे यहाँ पर भी आएगा तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा। तो इस एक्स को एक्स से कैंसिल करोगे तो ए अपॉन 1+1 आ जाएगा, तो ए बाई 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तरीका समझ में आया, क्लियर, यहाँ तक नोट कीजिए आप, ठीक है ना। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और भी अपन क्वेश्चन करेंगे। अब एक बार समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ तक समझ जाइए और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि अब मैं बहुत थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा, ठीक है, कोर्स बहुत स्पीड से बढ़ाऊँगा क्योंकि कोर्स बहुत लंबा चौड़ा है, 4 महीने में अपन को करना है, तो बहुत स्पीड से करना पड़ेगा। तो आप भी साथ साथ में नोट करते रहिए, और जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स और जो भी हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।